सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिश टीवी स्मार्ट प्लस जो सर्विस लॉन्च हुई है उसके बारे में। छोटा सा वीडियो है गाइस, पूरा देखिएगा, देखने के बाद लाइक कर दें, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी बहुत सारी बड़ी इन्फॉर्मेशन आप तक आपकी डिटेल केबल टीवी नैना टीवी चैनल की पहुँचती रहे और वीडियो को शेयर कर दें। सो गाइस, बात करें डिश टीवी स्मार्ट प्लस की। कुछ दिन पहले हमने इस बारे में वीडियो भी बनाया था कि डिश टीवी स्मार्ट प्लस सर्विस जो है लॉन्च की गई है डिश टीवी की ओर से, जिसमें आप लोगों को टीवी के साथ साथ OTT ऐप्स भी मिल रही है। टीवी के साथ साथ OTT ऐप्स का मज़ा भी आप लोग ले सकते हैं। इसके बारे में हमने वीडियोस में बात की थी। सो उसके बाद काफ़ी सब्सक्राइबर्स के मैसेज आते कि क्या ये सर्विस डिश टीवी के लिए ही है या फिर D2H के लिए भी है। सो गाइस, के बारे में बात करें तो डिश टीवी स्मार्ट प्लस सर्विस है और D2H स्मार्ट प्लस सर्विस है। सो डिश टीवी D2H दोनों के लिए सर्विस फ़िलहाल लॉन्च की गई है। अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे या फिर कहीं पर भी D2H पे या फिर डिश टीवी पे देखेंगे तो दोनों पे आप लोग को सर्विस मिल जाएगी। चाहे आप डिश टीवी ग्राहक हैं, चाहे आप D2H ग्राहक हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सेम ऑफर्स आप लोगों को मिलने वाले हैं। जैसे कि अगर आप रिचार्ज करवाते हैं अपना DTH और साथ में OTT ऐप्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे। सो दोनों ही, अगर आप D2H यूज़र हैं या फिर डिश टीवी यूज़र हैं, आप लोग को D2H स्मार्ट प्लस मिल जाएगा, डिश टीवी स्मार्ट प्लस मिल जाएगा। आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हो। सो चाहे आपके पास D2H है या डिश टीवी है, दोनों पर ही आप लोगों को सर्विस जो है मिलने वाली है। सो क्या राय है आपकी इस सर्विस के बारे में और क्या आप लोग डिश टीवी D2H सब्सक्राइबर्स हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल आप लोग टीवी के साथ साथ आप OTT का मज़ा भी ले सकते हैं अगर आपके पास D2H है या फिर डिश टीवी लगा हुआ है, डिश टीवी स्मार्ट प्लस और D2H स्मार्ट प्लस के जरिए। फिलहाल मिलते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ अगली वीडियो में। आप देखिए आपका अपना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चैनल।